एंड यूट्यूब फैमिली व्हाट्सएप, कैसे हैं आप? आई होप गाइस ऑल यू आर वेल। तो गाइस आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपके पास एक और व्लॉग के साथ। तो गाइस आज होने वाला है पास्ता का रिव्यू और साथ ही कैफ़े का रिव्यू। गर्मी का मौसम आ चुका है तो थोड़ा सा ठंडा गर्म दोनों साथ में करे जा रहे हैं। और तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या बात कर रहे हैं आप? लाते हैं अब दी ओनर ऑफ द बाइट्स कैफ़े। नाम बता दीजिए भैया। राहुल शर्मा नाम है मेरा भैया। ये शॉप का नाम है द बाइट्स कैफ़े। यूनिवर्सिटी के बैक साइड का जो गेट है, सेंट्रल बैंक का एटीएम लगा हुआ है उसके सामने यादव मार्केट, सचिन तेंदुलकर मार्केट जी। कितना टाइम हो गया इस कैफ़े को ओपन हुए? अभी ये 5 फेब में ओपन किया है, अभी 5 फेब 2022। अच्छा, तो मतलब कैसे आइडिया है इसको ओपन करने का? आइडिया एक्चुअली इस बिज़नेस में पहले से हम लोग। अच्छा, तो बस ये है कि सिटी सेंटर एरिया में अपना ब्रांच डाला है। जी जी। बाकी तो पहला शॉप कहाँ था आपका? नई सड़क पर है। अच्छा, पहला शॉप नई सड़क पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये भी अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी। तो क्या क्या चीज़ें अपने अवेलेबल है? हमारे यहाँ स्पेशलिटी में शेक्स हैं, सैंडविच हैं, पास्ता है, मैगी है, और बाकी स्पेशलिटी हमारी कॉफ़ी और शेक में तो हमारी यूएसपी है। और ये इतना रीजनेबल प्राइस रखने का आइडिया कैसे है? देखिए सर, एक्चुअल हमारा ये जो इस एरिया में बैठा हुआ हूँ, यहाँ स्टूडेंट एरिया है, और स्टूडेंट को मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट आज की डेट में घर वाले भी पैसे देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले। मेरे यहाँ क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ नहीं है और रेट भी बिल्कुल रीजनेबल रखता हूँ कि जिससे कि किसी को लेने में दिक्कत ना। हाँ नहीं, अभी हम लोग भी डिस्कस ये कर रहे थे कि 100 रुपये में एक बोलो आराम से मैं 100 रुपये में आपको आराम से दे सकता हूँ। हाँ। और बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ। आप संतुष्ट नहीं होंगे अगर मेरे प्रोडक्ट से तो मैं उसको पे भी नहीं करूँगा। जी जी। आप पे भी ना करें, मैं उसको चार्ज नहीं करता हूँ। जी जी। नहीं, काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया है तो 150 में भी इस टाइप का पास्ता नहीं मिल पाता। नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। शेक्स आप मेरे पी के देखेंगे, शेक में भी आपको क्वालिटी वो मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, और रेट भी आप देखेंगे तो पूरे शहर से रीजनेबल रेट मेरे पास है। जी। और क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless. So guys, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फूड प्रिपेयर होकर आ चुका है और आज हम ट्राई करने वाले हैं गाइस पास्ता। ये है द बाइट्स कैफ़े का रेगुलर पास्ता और मैंगो शेक। तो गाइस आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द बाइट्स कैफ़े को, और यू कैन सी दिस गाइस, पास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत हाई रेंज में है गाइस, पूरा रीजनेबल प्राइस में सब कुछ यहाँ अवेलेबल है और काफ़ी डिलीशियस सा लग रहा है। और जो स्मेल है ना गाइस, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। और वैसे भी खाने की स्मेल हमेशा एक फूडी को अट्रैक्ट करती है, और आई नो आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक फूडी छुपा हुआ है। तो गाइस इसको एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ मिलके, बाइट्स कैफ़े का रेगुलर पास्ता। यू कैन सी दिस गाइस, लेट्स टेस्ट दी रेगुलर पास्ता। तो गाइस पास्ता तो काफ़ी टेस्टी है और एक जो रीज़नेबल प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा पास्ता है। इतने प्राइस में इतना टेस्टी और इतना अच्छा पास्ता मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप देखें तो उनके पास काफ़ी अदर वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं, और जैसे वेजिटेबल डिलाइट्स हुआ, वेज सैंडविचेस वगैरह हुए, पेटीज हुई, पास्ता वगैरह हुए। और जो हम पास्ता ट्राई कर रहे हैं वो 40 रुपीज़ का पास्ता है, और बेस्ट साइड में टी हुई, कॉफ़ी हुई, शेक्स हुए, काफ़ी चीज़ें ये प्रेजेंट कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है इनको ओपन करे हुए शॉप, काफ़ी प्राइस में बहुत सारी चीज़ें ये सर्व कर रहे हैं। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इस टेस्टी से शेक का, तो लेट्स पास्ता सच में काफ़ी अच्छा है, बट शेक भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी का सीज़न आ चुका है तो गर्मी के हिसाब से मैंगो शेक ट्राई कर रहे हैं आज हम लोग। और मैंगो शेक में भी गाइस एक खासियत ये है कि काफ़ी जगह पे शेक में फ्लेवर मिला दिया जाता है, बट ये फ्लेवर नहीं, इसमें रियल मैंगो है और मैंगो की क्वांटिटी भी अच्छी है, तो मैंगो का टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। तो गाइस मैं तो आपसे कहूँगा वंस यू नीड टू विजिट हेयर गाइस, एक बार भी बाइट्स कैफ़े पे आओ और यहाँ विज़िट करो और एक्सप्लोर करो टेस्टी टेस्टी रीजनेबल फूड। मेरे को सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी कि प्राइस काफ़ी अच्छा है और जो यहाँ का फील है और जो व्यू है और जो बाइट्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस इतना टेस्टी पास्ता अगर सामने हो तो मुझसे तो कंट्रोल होता नहीं है, और फिर ये शेक भी तो ख़त्म करना है। तो गाइस मैं इन दोनों को ख़त्म करके आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गाइस आपको एक ही काम करना है बस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपसे मिलता हूँ आगे।